हेलो। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड टू हीट द फ्लूड, है ना। जो भी मतलब फ्लूड है हमारे पास उसको मतलब हीट प्रोवाइड करता है ना। द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड टू हीट द फ्लूड्स एंड दे आर सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, राइट। सो वी कैन से दैट कंस्ट्रक्शन की इसका मतलब सिंपल है और डिजाइन भी बहुत ही सिंपल है जो कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, राइट। द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, राइट। तो कौन से कंपोनेंट्स जो है उसमें यूज होते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया गया कि भाई एब्जॉर्बर प्लेट, राइट। देन ट्यूब्स, है ना, ये जो है ये ट्यूब्स है सारी, राइट। और एब्जॉर्बर प्लेट भी लगाया गया है उस पर। देन ट्रांसपेरेंट कवर होगा उस पर, है ना, कि जो रेज आ रहे हैं सोलर रेज, है ना, तो उस पर पड़े और मतलब वो गर्म हो जाए, है ना। देन इंसुलेशन भी है, देन केजिंग और वी कैन से बॉक्स भी है हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे एक दूसरा फिगर बताया गया है उसमें, है ना, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में बताया गया। तो कैसे होता है, मतलब बीच में जो है यहाँ पे ये बहुत सारी ट्यूब दी गई है ना, और ये पूरा बॉक्स जो है वो मतलब केजिंग जो है वो ढका हुआ है, राइट। एंड कोल्ड लिक्विड यहाँ से हो रहा है और इनलेट हेडर जो पाइप है वो ऐसा हो रहा है, राइट। ये मतलब व्यू ऐसा दिया, एक व्यू ऐसा दिया है, एक व्यू ऐसा दिया है, राइट। एंड हॉट लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से मतलब जो कोल्ड लिक्विड है ना वो इधर से पास होगा, हीट होगा और गर्म पानी यहाँ से मतलब जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। फिर ऊपर जो ये लगाया गया है वो क्या, हमारा आउटलेट हेडर है ना, ये हमारा आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकलेगा पानी, राइट। तो कैसे मतलब डिफ्यूजन रेडिएशन क्या होता है ना, बीम रेडिएशन होता है, डिफ्यूजन रेडिएशन होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ऊपर रहता है ना, तो सारी चीज़ें बताई गई। और एब्जॉर्बर प्लेट यहाँ पे है हमारा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो एब्जॉर्बर प्लेट के बारे में। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि इट इज़ मेटालिक सीट, है ना, इट इज मेटालिक सीट कैप्ड बिलो द कूलेंट, इट इज मेटालिक सीट कैप्ड बिलो द कूलेंट ट्यूब्स इनसाइड द कलेक्टर्स, राइट। इनसाइड द कलेक्टर्स वी कैन से दैट, राइट। सो नाउ इट्स थिकनेस डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ कलेक्टर, जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, कि कैपेसिटी जो है ना उसकी, तो उस पे वो डिपेंड करता है ना, कैपेसिटी ऑफ कलेक्टर्स। एंड इट इज़ मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, है ना, और वो जो बनता है वो किससे बनता है, माइल्ड स्टील से, राइट। देन गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम भी हम बोल सकते हैं ना, इट इज़ मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम, राइट। नाउ बताया है कि इट्स थिकनेस वेराइज फ्रॉम 0.5 mm टू 10 mm, है ना, जो थिकनेस बताया गया है वो कितना है, वेराइज फ्रॉम 0.5 mm टू 10 mm यानी 10 mm। सो द एब्जॉर्बर प्लेट इज कोटेड विथ नॉन रिफ्लेक्टिंग बैक, राइट। द एब्जॉर्बर प्लेट इज कोटेड विथ नॉन रिफ्लेक्टिंग ब्लैक पेंट, है ना, ब्लैक पेंट होता है, ब्लैक कलर क्या रहता है वो मतलब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, तो वही चीज़
हम काले कपड़े पहनते हैं तो क्या गर्मी ज़्यादा लगती है ना गर्मी के सीज़न में, राइट? तो वी कैन से दैट, राइट? सो द एब्जॉर्बर प्लेट इज कोटेड विथ नॉन रिफ्लेक्टिंग ब्लैक पेंट सो दैट इट कैन इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हीट, है ना, जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट, फ्रॉम द सोलार रेडिएशन, राइट? नाउ इट कैन विदस्टैंड, है ना, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर, राइट, है ना, वी कैन से दैट कि इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर एंड द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशंस एंड ट्रांसफर इट टू द कूलेंट ट्यूब्स विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद धैम, राइट? तो मतलब कूलेंट जो दिया गया है वो ट्यूब्स विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद धैम, राइट? तो वी कैन से दैट, तो ये जो पूरा मामला है वो मतलब एब्जॉर्बर प्लेट के बारे में है, राइट? कि द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज टू एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करेगा क्या हीट को, कैसे, तो सोलर रेडिएशन द्वारा, है ना, और ट्रांसफर करेगा कूलेंट ट्यूब्स विच आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विद देम, राइट? नाउ अब बात करते हैं ट्यूब्स के बारे में. तो ट्यूब्स में बताया गया कि द ट्यूब्स आर यूज टू सर्कुलेट वाटर और एनी फ्लूइड टू बी हीटेड, राइट? कि ट्यूब जो यहाँ पे हमें दिखाया गया ना, ट्यूब ऐसा बहुत सारे ट्यूब लगाई गई है, है ना, राइट? तो उसमें क्या बताया है कि द ट्यूब्स आर यूज टू सर्कुलेट वाटर और एनी फ्लूइड टू बी हीटेड इन द फ्लैट प्लेट कलेक्टर. कोई भी वाटर ले लो, चाहे कोई भी टाइप का फ्लूइड ले लो, वो मतलब हीटेड अप होगा, राइट? सो द डायमीटर ऑफ ट्यूब वेराइज फ्रॉम हाउ मच, तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है, कितनी कितनी रेंज आती है ना, 10 mm टू 20 mm इतना रहेगा, राइट? एंड दे आर वेल्डेड टू द इनलेट एंड आउटलेट, है ना, दे आर वेल्डेड टू द इनलेट एंड आउटलेट, वी कैन से दैट. नाउ हीडर पाइप इज थ्रू विच वाटर इज एंटरिंग एंड लीविंग द कलेक्टर्स, है ना, वाटर इज एंटरिंग एंड लीविंग द कलेक्टर्स. देन द ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम, ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम द मेटल लाइक कॉपर ले लो, ब्रास ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, है ना, वी कैन से दैट ना. द ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम द मेटल लाइक कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा, है ना, एंड जी आई गैल्वेनाइज आयन, वी कैन से दैट, है ना, और जी आई विच हैव गुड हीट कंडक्टिविटी, जो कि ये जो सारे मटेरियल है उसके पास अच्छे से अच्छी हीट कंडक्टिविटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कलेक्टर, है ना, क्योंकि कलेक्टर के साइज के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, ज़्यादा साइज रहेगा तो ज़्यादा मतलब हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा और ज़्यादा मतलब यूज में आ सकता है, राइट? सो वी कैन से दैट कि भाई अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कलेक्टर द लेंथ ऑफ ट्यूब इज सिलेक्टेड, लेंथ जो है वो हम सिलेक्ट कर पाते हैं ट्यूब्स की, राइट? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब्स इज कॉल्ड पिच, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब्स इज कॉल्ड पिच एंड द वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कलेक्टर्स, राइट? द वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कलेक्टर, सो वी कैन से दैट, राइट? नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास के बारे में, है ना, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया है कि भाई ग्लास कवर इज फिटेड, द ग्लास कवर इज फिटेड ओवर द टॉप ऑफ बॉक्स कवरिंग द एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब्स, राइट? द कवर इज फिटेड ओवर द टॉप ऑफ बॉक्स covering the absorber plate and tubes and this cover is fitted airtight, है ना, जो cover दिया गया है वो मतलब airtight होना चाहिए, है ना, and so that there is no leakage of heat,
मतलब जो लीकेज होना चाहिए वो नहीं होगा, राइट, क्योंकि एयर टाइट है ना, तो वो अच्छे से हो जाएगा, राइट। सो इवन दो द सोलर रेडिएशंस आर एंटरिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास, सोलर रेडिएशन जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास थ्रू वो अंदर एंटर कर पाएंगी, राइट। सो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वी कैन से दैट, बट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास द हीट एनर्जी इज ट्रैप्ड इनसाइड द कलेक्टर, इसकी वजह से मतलब वो कलेक्टर के अंदर वो ट्रैप्ड हो जाती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, है ना। तो ये सारी चीज, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही लिखना है आपको और वही समझना भी है, राइट, कि क्या फ्लैट प्लेट कलेक्टर का क्या फंक्शन रहता है, क्या कुछ रहता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। नाउ इंस्टेड ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, है ना, इंस्टेड ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट मेड फ्रॉम आर्सेनिक हाई डेंसिटी पॉलीथीन पीवीसी एंड एनी अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड कैन ऑल्सो बी यूज, है ना, उसकी ग्लास की जगह पे हम एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक भी हम यूज़ कर पाते हैं। नाउ द ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर इन द फ्लैट प्लेट कलेक्टर हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस, कौन सा फंक्शंस रहते हैं उसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि इट परमिट्स टू फॉल सोलर रेडिएशंस, है ना, इट परमिट्स to fall solar radiations on the absorber plate, right? And dusra diya ki it prevents the flow of heat back to the atmosphere, hai na, it prevents the flow of heat back to the atmosphere. Now it prevent dust moistures, it prevents dust moistures and other practical to settle on the tubes and absorber plate, we can say that na, right. To ye sari cheeze yahan pe batayi gayi hai clearly. Pehla diya tha ki bhai it permits to fall solar energy or we can say that solar radiation on the absorber plate, then prevent the flow of heat back to the atmosphere, jo bhi hai usko prevent karna hai, and dust ko bhi prevent karna, moisture aur rahega wagera wagera wagera, right. So sometimes kya hota hai ki double glass cover is used, hai na, sometimes ek to use karte hai lekin sometimes kya hota hai ki double jo glass cover hai usko use karte hai, use in the flat plate collector. So two glass covers with distance of about 10 to 15 mm is kept, right. So this gives better heat sealing, है ना, दिस गिव्स बेटर हीट सीलिंग्स इनसाइड द कलेक्टर्स एंड प्रोड्यूस वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। नाउ इंसुलेशन के बारे में बताया गया है, द इंसुलेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हीट फ्रॉम बिलो द एब्जॉर्बर, राइट। The insulation is used to prevent the leakages of heat from below the absorber plate. And thermocol, glass wool, wooden dust, है ना, thermocol ले लो, then glass wood, wooden dust ले लो, then cardboard ले लो, then this type of minerals are used as an insulation material, है ना, जो insulation के लिए, मतलब ऐसे, मतलब thermocol का भी use होता है insulation के द्वारा, है ना, उसके नाम पर, है ना, और glass wool, wooden भी use हो सकता है, right, वो बहुत सारे cardboard है उसका भी हम use कर सकते हैं. So as there is no leakage of heat from the collector body, the heat is effectively transferred. Leakage nahi hoga to effectively transfer hoga hi na, there is no issue, right. So to the tubes and through which is the fluid is circulating, hai na, to fluid jo circulate karega. Now baat karte hain hum, right, अब बात करते हैं हम केजिंग और बॉक्स के लिए, है ना। तो केजिंग और बॉक्स में क्या होता है कि द बॉक्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज मेड अप ऑफ वुड,
वो कैसे बनता है? तो वो वूड से बनता है ना, तो वूड ले लो, एमएस ले लो यानी कि माइल स्टील, और जीआई यानी गैल्वेनाइज आयरन शीट, है ना। तो ये तीनों चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, वुडन और माइल स्टील और गैल्वेनाइज आयरन शीट वगैरह वगैरह, राइट। सो इट इज ऑल, इट इज सो डिज़ाइन दैट इट प्रोटेक्ट द ग्लास ट्यूब्स, एब्जॉर्बर प्लेट एट्सेट्रा, राइट। सो इट हैज अरेंजमेंट टू कीप इट फेसिंग इन द डायरेक्शन, है ना, इट हैज अरेंजमेंट टू कीप इट फेसिंग इन द डायरेक्शन इन द सन और सन, सो दैट रेडिएशंस आर फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ग्लास, है ना, परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द ग्लास रहेगा, राइट। सो इन सम कलेक्टर्स देर इज मैकेनिज्म बाय विच इट कैन बी ट्रैक्ड, राइट, इट कैन बी ट्रैक्ड द सन एज इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे, राइट। ईस्ट और वेस्ट मतलब वो रहेगा, है ना, ड्यूरिंग द होल डे, राइट। सो सच कलेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रैकिंग कलेक्टर्स भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो वही मैकेनिज्म रहता है ना पूरा, है ना, कि जिस साइड वो रेडिएशन हमें ज़्यादा मिलेगा, सन रेडिएशन ज़्यादा मिलेगा, सोलर रेडिएशन, तो उस साइड वो घूमता रहेगा, है ना, उसको पर डे मतलब होल डे मतलब थोड़ा जितना उसको एनर्जी मिल रहा है, जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना कर पाएगा, है ना। इसे बताया कि सम कलेक्टर्स देयर इज मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म रहता है, ये मतलब ये बाजू ये प्लेट है तो ये पूरा मुड़ के ये बाजू भी बन सकता है, राइट। तो वैसे बता रहा है कि बाय विच इट कैन बी ट्रैक्ड द सन एज इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से मतलब वेस्ट में भी, है ना, सपोज ये हमारा है तो ये हमारा मतलब ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये पूरा मतलब इधर से इधर भी वो घूम सकता है, वी कैन से दैट, राइट। सो सच कलेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रैकिंग कलेक्टर भी हम बोल सकते हैं, क्लियर, है ना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, थैंक यू।